एक एक्वेरियम में एक चुटकी नमक का कीमत तुम क्या जानो हॉबीस्ट बाबू। फिश का हेल्थ और हैप्पीनेस का राज होता है एक चुटकी नमक। सब डिजीज का सर्वनाश होता है एक चुटकी नमक। ये ड्रामा करना मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन बात सच है, नमक एक एक्वेरियम में जादू कर सकता है, आपका फिश को हेल्थी रख सकता है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका है एंड करेक्ट नमक कौन सा है, कैसे यूज करना है, वो आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैंने एक और वीडियो बनाया है, जीरो कॉस्ट मेडिसिन करके एक वीडियो बनाया है, बहुत पॉपुलर वीडियो है। उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आप कितना नमक डाले, कब डाले, हफ्ते में सेकेंड वीक, कौन सा डिजीज को कौन सा नमक, वो पूरा डिटेल इसमें है, काफी लंबा वीडियो है। इस वीडियो में क्विकली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप उसका वैल्यू समझे, एंड लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आप नमक किस तरह यूज करें, कितना यूज करें, ताकि आपके फिश को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आखिरी तक देखो। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिनके घर में नमक ना हो, ठीक है, बिकॉज नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं है, थोड़ा भी स्वाद नहीं है, एंड नमक बहुत जरूरी है खाने में, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, बिकॉज नमक में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नमक एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एनर्जी देता है, जितना भी हमारे सेल्स है वो काम करने के लिए नमक चाहिए, जानवरों के लिए भी चाहिए, हमें भी चाहिए। बड़े जानवर, जंगली जानवर ढूंढते हैं, जाके नमक खोद के नमक खाते हैं, जैसे ये वीडियो में आप जैसे देख रहे हो, यहां पे ये दो सांबर डियर जंगल में नमक खा रहे, पत्थर के ऊपर से नमक खा रहे, ठीक है। बंदर भी करते हैं, नमक चाटते हैं, ये सब बहुत जरूरी है हमारा सिस्टम काम करने के लिए। तो नमक आता किधर से है, समुंदर के पानी से। समुंदर के पानी को ज्यादातर सॉल्ट बैंक्स बोलते हैं, पानी को अंदर आने देते हैं और उसको धूप में छोड़ देते हैं तो पूरा निकल जाता है, रहता है नमक, वो भाप निकल जाता है, पानी वगैरह निकल जाता है, नमक रह जाता है। नमक का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड। नाउ घरेलू नमक में तीन चार ऑप्शन है हमारे पास, एक सादा नमक, ये वाला जो हम खाने में डालते हैं, ऊपर छिड़कते हैं, सांबर में डालते हैं या दाल में डालते हैं, वो सब, ये हमारा कोई काम का नहीं, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। फिर से, ये जो सादा पाउडरी जो नमक है वो हमारा कोई काम का नहीं है, तो ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। बचता है ये और ये। नाउ ये जो रेगुलर नमक है इसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जाड़ा नमक बोलते हैं, पथरीला नमक बोलते हैं, मोटा नमक बोलते हैं, सफेद होता है, काला नमक नहीं, चाट नहीं बना रहे हो, सफेद चाहिए, ओके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको साइड में रखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट, समुंदर से आता नहीं है इसलिए हिमालया, हिमालयन पिंक सॉल्ट हिमालय में मिलता है, ठीक है। ये पत्थरों जैसा बना रहता है, उसको तोड़ के इसको निकालते हैं, ये भी पथरीला है। नाउ ये पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ये आप यूज कर सकते हो, बट हाल ही में मैंने भी थोड़ा होमवर्क किया, थोड़ा स्टडी किया और पैकेट के पीछे पढ़ा, इसमें आयोडीन की मात्रा होती है, तो जिसमें भी आयोडीन है वो यूज नहीं करने का। आयोडीन मच्छी के लिए जहर है, कॉपर
आयोडीन, ये दो चीज मच्छी के लिए जहर है। हाँ, इसमें कुछ अच्छी चीज भी है, सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, बट आयोडीन होने के वजह से आपके मछली को तकलीफ होने वाला है। ठीक है, सो ये मेरा भी सजेशन है अभी कि आप यूज ना करें। अगर आपको आयोडीन फ्री मिलता है तो नो प्रॉब्लम, बट आयोडीन फ्री क्यों बनाएंगे? क्योंकि इंसानों के लिए आयोडीन बहुत काम का है। ये वाला नमक में भी आयोडीन है, आयोडाइज्ड नमक, ओके, टाटा नमक, आयोडाइज्ड नमक, वो बोलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में आयोडीन नहीं चाहिए हमें, तो ये भी यूज मत करो, नॉट गुड। इसका पाउडर वाला या पत्थर वाला यूज मत करो। हाँ, खाने में यूज करो, आपके खाने में हिमालयन पिंक सॉल्ट जो भी है यूज करो, बहुत हेल्थी है, बिकॉज इसमें मिनरल्स बहुत है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ये फिश के बारे में बात करेंगे, तो ये भी नहीं चाहिए हमें। अगेन याद दिला दो, मैंने भी एक दो वीडियो में बोला है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज कर सकता है, मेरे तरफ से जानकारी कम था। जब मैं देखता हूं आजकल सब में आयोडीन है, सब में आयोडीन है, तो प्लीज यूज मत करना। ठीक है, नाउ बचता ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सिंपल सा घरेलू जाड़ा नमक, मोटा नमक। अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो आपके मम्मी से पूछो, बड़े दीदी से पूछो, वो बता देंगे कि नमक, जाड़ा नमक का मतलब क्या है। सिंपल सा घरेलू जाड़ा नमक, पथरीला नमक, मोटा नमक, कन्नड़ा में कल उप्पु, तमिल में कल उप्पु, मलयालम में पारा उप्पु, तेलुगु में दोड्डु उप्पु एंड मराठी में जाड़ा मीट, ये सब अलग अलग भाषा में यही बोलते हैं। हाँ, सेंधा नमक बोलते हैं, लेकिन अगेन वो पिंक सॉल्ट हो गया, हमें पिंक सॉल्ट नहीं चाहिए, मैंने समझाया है, तो वो जरूरी बात देख लीजिएगा। तो नाउ चलो देखते हैं नमक के फायदे क्या हैं और कैसे यूज करने का एंड कैसे यूज नहीं करने का, वो भी देखते हैं। बट उससे पहले क्या है ना, ये भी है, इसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ ये और ये हमारे खाने वाला नमक और ये अलग अलग चीज है। एप्सम सॉल्ट माने मैग्नीशियम सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड। नाउ अगर पेट साफ नहीं है और यू नो कॉन्स्टिपेशन है तो ले लेना, फिश के लिए भी अच्छा, पेट साफ करता है, आपके लिए भी अच्छा। ठीक है, बट एप्सम सॉल्ट अंदरूनी प्रॉब्लम्स, रॉक सॉल्ट बाहरी प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स या डिजीजेस जो भी है उसके लिए हेल्प करता है। ये इंटरनल पैरासाइट एंड एज अ लैक्सेटिव, मतलब जमाल गोटा जैसा। ठीक है, हाँ इसका एक और काम है, थोड़ा गरम गरम पानी में ये डाल के बकेट में मिक्स करके आपका पैर अंदर रखो, शाम को हा मस्त फीलिंग आता है, बहुत मजेदार फीलिंग। ठीक है, मतलब वो पेन वगैरह निकालता है। ठीक है, वो बात अलग, वापस इस पे आते हैं, ये नहीं चाहिए हमें अभी। नाउ ज्यादातर लोगों के टैंक में आप लोग पानी साफ नहीं रखते हो, फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम, फिल्टर में बायोमीडिया नहीं, पानी गंदा हो रहा है एंड नाइट्राइट लेवल्स बढ़ रहा है एंड उसके वजह से बहुत सारे डिजीजेस आते हैं एक्सटर्नली बॉडी पे, व्हाइट स्पॉट्स या इक, क्लाउडी आई, पॉप आई, बॉडी पे फंगस, फिन रॉट। ठीक है, मच्छी साइड में जाके बैठ जाना, ये सब डिजीजेस के लिए जादुई नुस्खा रॉक सॉल्ट। मतलब जितने भी एक्सटर्नल इश्यूज, बॉडी पे अगर कोई इश्यू दिखता है या अमोनिया बर्न, ब्लैक पैचेस होना, ये सब के लिए सॉल्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ले लो सॉल्ट डाल दो, बीमार नहीं है मच्छी मत डालो। अगर मच्छी बीमार नहीं है तो सॉल्ट डाल के मतलब क्या है, आप कर क्या रहे हो समझो। अगर आप रोज सुबह उठ के बिना बीमारी के, बिना बुखार के रोज एक क्रोसिन खाओगे, जब असली बुखार आएगा तो क्रोसिन काम नहीं करेगा, आप इम्यून हो जाओगे। सेम थिंग, जब भी वाटर चेंज किया सॉल्ट डाला,
रोज सॉल्ट डाला। आप फिश को सॉल्ट या मेडिसिन से इम्यून कर रहे हो, तो एक्चुअली जब फिश को तकलीफ होता है तो सॉल्ट काम नहीं करेगा। तो बिना मतलब का यूज मत करो, ये मेडिसिन है, मेडिसिन जैसा ही यूज करो। आप नो, अगर आपको लगता है कि हल्का सा बीमारी है आपके फिश को, तो बेस्ट मेथड है फिश को निकालो एक हॉस्पिटल टैंक या बकेट में, टैंक का पानी और थोड़ा साफ पानी मिक्स करो, एक हीटर डालो 26 to 28 डिग्रीज, एंड हर 10 लीटर के लिए एक टेबलस्पून नमक डालो, मतलब 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 15 ग्राम। ओके अगेन, 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 15 ग्राम, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम। 15 ग्राम सॉल्ट 10 लीटर पानी में डालो, उसको गोलने दो, फिर आपका मछली उसमें डालो। ये क्या करता है, बॉडी को इरिटेट करता है, स्किन को इरिटेट करता है, और जब स्किन इरिटेट होता है तो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्ड होना चालू होता है, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्ड होता है तो कोई भी डिजीज उसके ऊपर चिपक नहीं सकता है, निकल जाता है एंड हीलिंग स्टार्ट होता है। ये फिश के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब वो जो स्लाइम, वो पिसलता है ना, वो आपको पता है, फिश पकड़े तो समझ में आता है, वो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, और नमक उसको बढ़ाता है। यही फॉर्मूला है फिश को हील करने का, इसलिए नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें और भी डिटेल्ड यूसेज है, वो वाला मेरा वाला जीरो कॉस्ट मेडिसिन वाला वीडियो देखो, उसमें और अगर सीरियस केस है फिश को तो कितना डालने का, वो सब डिटेल उसमें है। नाउ ऑल्सो नमक क्या करता है, ऑस्मोसिस के वजह से हर जो पानी में रहने वाला जीव अपने स्किन से पानी अंदर बाहर कर सकता है, ठीक है। नमक क्या करता है, जो भी फंगस है, बैक्टीरिया, लाइस या इक या जो भी जो पैरासाइट है, उसके बॉडी के अंदर से पानी निचोड़ देता है और वो मर जाता है। तो पैरासाइट को मारेगा, फिश को म्यूकस बढ़ाएगा, फिश को हेल्थी बनाएगा। नाउ आपके श्रिंप को और जो भी स्केललेस फिश है, जैसे ब्लैक गोस्ट है, नाइफ फिश है, सकर फिश भी है, उन सबको इफेक्ट हो सकता है बुरी तरह से, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहो नमक यूज करते टाइम। नॉर्मल आपके जितने भी रेगुलर फिशेज है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, श्रिंप, लेकोज, नाइफ फिश, गोस्ट, उस सब में यूज मत करो, ओके। उन सब के लिए और अच्छा मेडिसिन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टीम आपको बता देंगे। एंड ऑफ कोर्स पूजा मैडम वीडियोस बना रहे हैं ना फिश डिजीज के बारे में, तो देखते रहो, मजा आएगा उसमें। नाउ फाइनली, नमक सोडियम क्लोराइड को प्लांटेड एक्वेरियम में मत डालो, प्लांट्स मर जाएंगे, ठीक है, क्लियर। प्लांटेड एक्वेरियम में मत डालो। सो जब आप हॉस्पिटल टैंक रेडी करते हो तो इंपॉर्टेंट यह भी है कि थोड़ा आप पानी टॉपअप करते रहो, अगर इवेपोरेशन में पानी जा रहा है तो टॉपअप करते रहो, नहीं तो वाटर चेंज करो और वाटर का लेवल मेंटेन करो, बिकॉज सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है, रह जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्ट लेवल अगर ज्यादा होता है तो भी फिश को प्रॉब्लम होने वाला है, याद है ना, ये फ्रेश वाटर फिश है, सॉल्ट वाटर फिश नहीं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फिश को फ्रेश वाटर लगता है। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि सॉल्ट वाटर फिश को, मतलब मरीन समुद्री मछली को, हम सॉल्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या। अभी मैं वो जवाब देना नहीं चाहता, बिकॉज मेरे को आता नहीं है उतना साइंस, बिकॉज वो मछली ऑलरेडी सॉल्ट वाटर में है, और कितना नमक डालोगे उसमें। नाउ ट्रिक है, सॉल्ट वाटर या मरीन फिश के लिए फ्रेश वाटर एक्चुअली मेडिसिन के तरह काम करता है, लेकिन वो जब हम मरीन टैंक बनाएंगे वो बात डिस्कस करेंगे, ये सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर ओनली। नाउ बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि मैं रेगुलर सॉल्ट यूज करूं क्या, आलसी मत बनो यार, ओके सामने है रेगुलर सॉल्ट वो डाल दिया, नहीं ऐसा मत करो, ये इतना सस्ता है, 1 केजी नमक 20 रुपए में आता है,
वो आपके घर के खाने में डाल सकते हो, अचार में डाल लो, मजा लो, एंड थोड़ा बहुत अलग से रख लो ना फिश टैंक के लिए। नॉर्मल सॉल्ट में आयोडीन होता है, आयोडीन आपके फिश को मार देगा, ठीक है। आयोडीन जो भी वो ऑस्मोसिस में समझा रहा था वो ब्लॉक कर देता है बॉडी से, तो स्किन में अगर पानी अंदर बाहर नहीं हुआ या मिनरल्स अंदर बाहर नहीं हुआ, विटामिन अंदर बाहर नहीं हुआ, मछली मर जाएगा। आयोडीन इज नॉट गुड, सो रेगुलर टेबल सॉल्ट यूज मत करो, रॉक सॉल्ट यूज करो। एंड और डिटेल जानकारी के लिए कि कैसे फिश को ठीक करना है, बीमारी को कैसे ठीक करना है, आप देख सकते हो मेरा जीरो कॉस्ट मेडिसिन वाला वीडियो। नाउ जाते जाते सिंपल 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 एक नुस्खा, कोई भी डिजीज हो, एक्सटर्नल हो, हीट एंड सॉल्ट, ये दो सबसे बड़े मेडिसिन है। अगर इन दोनों से ठीक नहीं हुआ तो देन आप आगे जाओ दूसरे मेडिसिन लो, बट पहला फर्स्ट एड जो बोलते हैं ना यही है। हां एक और भी है, आप नींबू घुमा सकते हो या नमक से ही ना नजर उतार लो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। नहीं नहीं मजाक है बस, हेलो। सो आज आपने देखा कि नॉर्मल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट में फर्क क्या है, क्यों हमें हिमालयन सॉल्ट यूज नहीं करना चाहिए और क्यों हमें नॉर्मल सॉल्ट यूज नहीं करना चाहिए एंड सिर्फ और सिर्फ रॉक सॉल्ट यूज करना चाहिए, ये सब आपने देखा एंड आपने, मैं आशा करता हूं, पूरा समझा, आइडिया को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा एंड उसके फायदे आप जरूर उठाएंगे। सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। कभी कभी छोटे छोटे चीज बहुत फायदे कर जाते हैं, लेकिन आपको यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो अगर सही मात्रा में लिया जाए, ठीक है, तो हमारे लिए दवा के तरह काम करता है, और मात्रा ज्यादा हो तो दारू नहीं नहीं नुकसान करता है। तो यूज इट करेक्टली, कोई भी चीज हो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। जिंदगी में हो, एक्वेरियम में हो, कोई भी चीज हो, यू हैव टू लर्न टू यूज इट करेक्टली। नाउ और भी वीडियोस बनते रहेंगे, आप तो देखते रहेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। कल वीडियो मिस मत करना, डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ब्रीडिंग वी विल डिस्कस। ओके बाय।